मैं हूँ विवेक कुमार और मैं हूँ फरुख नगर में। ये आप एक गेट देख पा रहे हो, ये गेट थोड़ा टूटा हुआ सा है और यहाँ पर एक ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, गोल बावड़ी। और चलिए इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। एंट्री करने पर ही यहाँ पर सामने ये मशीन है जो कि लाइम मोर्टार को पीसने के लिए बनाई गई है। मेरे साथ हैं मेरे मित्र नवीन जी और हम अब इस गोल बावड़ी के अंदर चलेंगे। और ये देखिए जो यहाँ से ट्रक्स जा रहे हैं, बड़े बड़े भारी भारी ट्रक्स इस गेट में से गुजरते हैं, ये वाहन यहाँ से जा रहे हैं। इस रोड के नीचे एक रास्ता है और वहाँ पर आर्च बनाई हुई है और उस आर्च के ऊपर ये रोड बना हुआ है। आइए नवीन जी। ये इसका एंट्रेंस है, प्रवेश। इसकी छत देखिए आर्च से बनाई गई, डोम शेप। ये यहाँ पर भी। और नवीन जी देखिए ऊपर वो है चूल, है चूल दे रखी है। ये चाप देखिए, चाप या आर्च, इसके ऊपर रोड है और उससे बड़े बड़े ट्रक्स उसके ऊपर से गुजरते हैं। प्रवेश करने पर सामने ये एक कुई है यहाँ पर। और ये शेप बताइए नवीन जी इसकी, कैसी ऑक्टागोनल है, कैसी है? ऑक्टागोनल है ये नवीन जी। वहाँ पे जज्जर में तो जज्जर गेट ना, जो शुरू की इमारत थी, हाँ, जिसमें हम घुसते थे, जिसका कह रहा था कि वो गेट हिल रहा है, हाँ, उसमें रेड पत्थर था, बाकी सारी इमारत में ये बड़ा यही पत्थर था, है ना। तो ये देख ऑक्साइड या बता दूँ कितने ठोक रखा है। द्वार कितने हैं नवीन जी इसमें? द्वार देखिए, जैसे ये एक फेस है तो उसके ऊपर तीन द्वार हैं, तीन तीन छः, तीन तीन नौ, तीन दो बारह, तीन पंद्रह। ये वाला द्वार बंद है या खुला है? तो 24 द्वार हो गए इसके। और इसकी रूफ़ के विषय में क्या कहोगे नवीन जी? ये लदाव की छत इसको बोला जाता है देसी भाषा में। चूने के द्वारा बनाई गई है, चूने और पजावड़ी ईंटों में ये बनी है। और सामने ये देखिए, ये कितनी फ्लैट टाइप है, ये आर्च है, ये इसका राइज काफ़ी कम है। इसको कौन सी आर्च कहा जाता है? तो ये सेमी सर्कुलर पर इसका राइज कम है। और जो ये डिज़ाइन बनाया गया है बादल जैसा, ये पॉइंटेड आर्च है। इसमें भी पॉइंटेड आर्च की फॉर्म में पूरी छत है इसकी। नवीन जी देखिए वो पुराना वहाँ पर डिज़ाइन बचा हुआ है अभी भी, इधर भी है, हाँ, और ये वहाँ भी बचा हुआ है, कुछ चित्रकारी अभी भी बची है चित्रकारी की वजह से। और इसके जो कलर है वो पिंक है, जो पिंक है रेड रेडिश कलर, मैरून मैरून पुराना जो है उसके अवशेष बचे हुए हैं। हाँ, ये दिखने में ही काफ़ी दृढ़ लग रहा है मुझे। और इसकी कटिंग देखिए, जो आर्च बनाई गई है कितनी, काउंट कीजिए कितने वो कर्व है। 1 2 3 4 5 6 कर्व है इसके अंदर और इधर भी 6 होंगे। हाँ बिल्कुल, कितनी सुंदर आर्च बनाई गई है। पुराने समय में जितनी भी हवेलियाँ बनती थी और जितने भी लोगों के घर बनते थे वो सब इसी तरह का अपना मुख्य द्वार बनाते थे, इस तरह का। उपयोग किस लिए किया जाता
ये जल को संरक्षित करने के लिए बनाई जाती थी, वर्षा के जल को। और ये देखिए इधर हमारे कुछ प्रेमी जो ऐसे जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको भी नहीं छोड़ते। क्या बताना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ये नाम लिख के कौन सी प्रॉपर्टी पे अपना वो अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए ये सब बॉलीवुड का क्या धरा है? ये पत्थर है क्या वो? ये पत्थर नहीं है, ये ईंटों का से आर्च बनाई गई है और ऊपर प्लास्टर किया हो गया है। आप यहाँ से देखिए ना, ये बिल्कुल चूना है, पूरा चूना है, पत्थर नहीं है ये। और मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आप इस पत्थर को देखो, इसके नीचे सपोर्ट के लिए पत्थर लगा है। और अभी इस पत्थर को देखो जो आप उस साइड कह रहे थे, ये पत्थर और उस पत्थर में अलग, ये पत्थर सिर्फ इन्हीं गेटों के लिए लगा रखा और कहीं भी नहीं है ये पत्थर, इसके अलावा ये पत्थर कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह का पत्थर। नीचे देख ये पत्थर काला पत्थर, ये अलग पत्थर है, ये वही पत्थर है जो उस तरफ लगा है, और लेकिन ये ऊपर वाला पत्थर ये अलग है, इसलिए ये पत्थर बाद में लगाया गया है, क्योंकि इसके जो ये साइड हैं ये शायद डैमेज हो गई होगी, जिसकी स्पोर्ट के लिए इसको लगाया गया होगा। और चलिए एक थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, देखते हैं इसमें जल है या नहीं। जल नहीं है, ये देखिए। ओह, एक मृत पक्षी और दूसरा पक्षी उसके ऊपर बैठा हुआ था। ये देखिए पाइप देख रहे हैं। आप सोचते हो क्या कि ये उस समय का पाइप लगाया गया? बाद में लगाया है, क्योंकि ये ऊपर से तोड़ा गया, ये शायद यहाँ का जो पानी भर जाता होगा बारिश में उसको इसमें मतलब नीचे उतारने के लिए इसका यूज किया गया होगा। एक बार इसको देख लेते हैं आठ दिशाओं से। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ आप देखोगे सीढ़ियाँ बनाई गई, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दूसरी इसके अपोजिट में। तो हम यहाँ से चलेंगे और देखिए यहाँ से चलेंगे, हर एक जो सीढ़ी है उसके दरवाजे बनाए गए हैं, उसके अंदर आपको दरवाजे के लिए चोल मिलेगी। और ये 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 क्यों छोड़ रखा है ये जगह? ये जो हमारा समझो कि ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा यहाँ पर जो पहले जो हमारे दरवाजे थे दो हिस्सों में होते थे, आज का मॉडर्न टाइम में सिंगल दरवाज़ा यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो दरवाज़ा है वो खुल के दीवार के साथ में चिपक जाए, किसी तरह का अवरोध पैदा ना हो। और ये हम देख सकते हैं किस तरह का बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी है ये हमारी जो धरोहर है। और ये आप ऊपर देख सकते हो, ये मुझे लग रहा है कि बाद में इसका कुछ किया गया। हाँ, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्या दशा इसकी। ये क्यों है नवीन जी? ये मुख्यतः हमारे किलों में पाया जाता है शत्रु पर आक्रमण के लिए, ताकि हाँ बिल्कुल उस पर दृष्टि के लिए भी और आक्रमण के लिए। अगर आप देखो सामने बिल्कुल थोड़ा सा खुला है, तीर मार सकते हैं बिल्कुल, यहाँ से हम सामने वाले पे निशाना लगा सकते हैं, तो लेकिन सामने से अंदर निशाना लगाना मुश्किल होगा। तो ये छत जो नीचे से आर्च लगी यहाँ ऊपर देखिए फ्लैट है, और ये देखिए कि किस तरह की ईंटें इसमें लगाई गई हैं, पजावड़ी ईंट, और इसमें ना कोई क्रंक किट का यूज किया गया है, ना कोई बीम आरसीसी का यूज किया गया है, फिर भी इतने सालों से। और ये देखिए द्वार, हाँ बिल्कुल द्वार यहाँ भी है, एक द्वार यहाँ है, एक द्वार उधर है, और दो द्वार उस तरफ से। तो द्वार भी, द्वार की संख्या भी काफ़ी है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा ऊपर चढ़ के, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा आगे चलते हैं,
ये इधर देखिए, यहाँ हम नीचे आपको दिखा रहे थे, और ठीक इसके नीचे मुख्य द्वार है, एंट्रेंस, और इसके जो छत का एरिया है इससे हम इधर देखेंगे। ये देखो, इसके नीचे से हम निकल के आए थे और ऊपर से रोड बना हुआ है। कितने हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल्स, ट्रक है, मालवाहक ट्रक हैं, सब इससे गुजरते हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी ये ज्यों की त्यों है। नहीं, इसमें चूने का प्रयोग किया गया है, आर्च बना के ईंटों का, और उसमें चूने का प्रयोग किया गया है। और देख सकते हैं इसके बावजूद भी इसकी मजबूती। और हाँ, मैं नीचे से आपको एक चीज़ और दिखा रहा था कि जो ये नीचे स्पोर्टिंग जो ये दीवार है, ये बाद में शायद बनाई गई है। आप वहाँ पर देखिए, वो सामने पत्थर है, पत्थर का ये यहाँ पे, जैसे पहले की कुछ इमारतों में देखा होगा कि ये आगे से ऐसे मतलब छज्जे टाइप में होता था, तो ये शायद कमज़ोर हो गया होगा और इसीलिए इसके नीचे से दीवार की गई है। ये देखो, बिल्कुल कितने वर्ष बीत गए और आज भी इसको हाथों से तो भूल ही जाओ। ये देखो, हर एक चीज़ का यहाँ पर पूरी तरह की विशेषता मिलेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो पानी संग्रह होता था उसके निकलने के लिए भी नालियाँ बनाई गई है। वर्षा के जल, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ से भी जल निकलता है या वर्षा होती है, ताकि जो वैसा पानी है, पैर वगैरह भी पैरों में लगता है, वो अंदर शुद्ध पानी होता है उसमें ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही दिखाने के लिए थोड़ा सा इधर लाया हूँ। और इस जो ये बावड़ी है, पानी संग्रह के लिए इनका मेनली यूज होता था। और ये गुरुग्राम जिला के अंदर एक फर्रुखनगर शहर है, उसके अंदर ये स्थित है। और पास में आप देख सकते हो काफ़ी प्राचीन इमारतें हैं, जिसे शायद किसी होटल या रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। दीवार कितनी चौड़ी है? चलिए चलते हैं। इसके ऊपर से नवीन जी ट्रक्स गुजरते हैं। यही है वो आर्च जिसके ऊपर से भवन जा रहे, जिस भवन के ऊपर से अंदर से मतलब वाहन गुजर रहे थे। और इसका निर्माण, इसके निर्माण में कोई भी लैंटर बीम पत्थर का इस्तेमाल नहीं है, केवल पजावड़ी ईंट और चूने का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मैं आपको कोई ना कोई आपको इस तरह का वो बताता हूँ, एक मिनट। ये पहली बात तो ये फट्टा लकड़ी का तख्त, ये बाद का है। और यहाँ पर भी ऐसा कोई वो, ये देखो इसका जो कर्व है वो यहाँ से है ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आर्च रही होगी और यहाँ पर गेट ये बाद में लगाया गया। जिस तरह की आर्च ये है, सेम इसी तरह की आर्च वहाँ पे रही होगी। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। मेरे ख्याल में जो साइड में वो कमरे बने हुए थे द्वार, वो शायद उनका रास्ता यहाँ पे आता होगा, ये शायद बाद में बंद कर दिया।
ये देखिए इसकी क्या हालत है, गुजरने वाले वाहनों ने इसको बिल्कुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया हुआ है। और ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई बीम का कोई वो नहीं है, सिर्फ पजावट ईट। यम गेट के ऊपर खड़े बिल्कुल, और इसके नीचे से काफ़ी बड़े बड़े वाहन गुजर रहे हैं। ये देखो इसका कितना सुंदर व्यू है, एक 8 भुजाओं के आकार की ये बावड़ी है, अष्टभुजाकार। ये हमारी धरोहर हैं कुछ बची हुई जो कि खंडर हो चुकी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे धरोहरों का संरक्षण किया जाए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।